Yes, class 7th. Good morning, all of you. Today our topic is unit 3, data handling. Okay, beta, question number 11 tak maine aapko kal kara diya tha. Question 12. The run scored in a cricket match by 11 players is as follows. Aapko de rakhe runs bana rakhe 11 players ne. 6, then 15, then 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, देन 15. ये रन्स बना रखे बेटा 11 प्लेयर्स ने. ठीक है, फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द थ्री सेम. सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इसे मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, फिर मीडियन भी निकालना है, फिर बताना है कि ये तीनों की तीनों क्या सेम है. तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, सॉल्यूशन में अरेंजिंग ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, या आप लिख सकते हो अरेंजिंग ऑल रन्स स्कोर्ड बाई 11 प्लेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में सब ऑब्जर्वेशन को लिखे हमने, लिखे जितने भी आपके रन्स थे. तो मोड इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मोड को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है या ऑब्जर्वेशन है या रन है उसको हम लेंगे. ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तीन बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने 15 रन्स मारे. तो 15 क्या हो गया आपका, मोड हो गया, जो कि कितने बार आ रहा है आपका, 3 टाइम्स आ रहा है, जो कि क्या है, मैक्सिमम है. ओके बेटा, देन मीडियन. मीडियन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये आपके 11 बैट्समैन ने स्कोर किया है, तो 11 क्या है, ऑड नंबर है. तो ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका n प्लस 1 अपॉन होल टू टी एच ऑब्जर्वेशन. मीन्स n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ बैट्समैन यू कैन से. तो 11, 11 प्लस 1 12, 12 अपॉन 2, 2 सिक्स जै 12, यानी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, तो इसमें देखेंगे सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, 15, जो कि क्या हो गया, मीडियन. यहाँ तक तो हम देख रहे हैं मोड और मीडियन दोनों सेम आ रहे हैं हमारे. ठीक है, नाउ मीन. मीन मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आप इसको ये भी बोल सकते हो, टोटल रन स्कोर्ड बाय 11 बैट्समैन अपॉन नंबर ऑफ टोटल बैट्समैन. तो यहाँ पे 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120, सबको प्लस किया, कितने बैट्समैन ने रन मारे थे, ये 11, तो 11 अपॉन में कर दिया. ठीक है बेटा, फिर प्लस किया, कितना आया हमारे पास, 429 अपॉन 11. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 39 वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, मीन आ जाएगी, जो कि अलग है किससे, मोड और मीडियन की वैल्यू से. तो आप लिखोगे नो, ऑल आर नॉट सेम, सबके सब आपके सेम नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन सिक्स डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन द बार ग्राफ. आपने ये बेटा ये डाटा दे रखा है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दे रखे हैं, मतलब फिफ्थ क्लास में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सिक्स क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट इन सेवन, एंड सो ऑन. ठीक है बेटा, ए पार्ट, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल, आप एक स्केल को कैसे चूज़ करेंगे. हमने क्या चूज़ किया बेटा, वन यूनिट इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, हमने एक यूनिट में 10 स्टूडेंट्स को काउंट किया. बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड मिनिमम, कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 135 हैं, जो कि कौन सी क्लास के हैं बेटा, फिफ्थ क्लास के हैं. ठीक है, फिर मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम स्टूडेंट्स किस में है हमारे पास, टेंथ क्लास में कितने हैं, 80 स्टूडेंट्स. ओके बेटा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास एट, मीन्स क्लास सिक्स्थ के स्टूडेंट्स और क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स का आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है बेटा. तो हमने 120 ऊपर रखा अपॉन 100, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 12 अपॉन 10 बचा, दोनों क्या हैं आपके, इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड होंगे तो 2 सिक्स जै 12, 2 फाइव जै 10, तो क्या आ गया आपका 6 अपॉन 5, जिसको हम रेशियो फॉर्म में क्या लिखेंगे, 6:5. ओके बेटा, अब इसका हमने ग्राफ नहीं बनाया बेटा, ग्राफ जगह नहीं थी यहाँ पे, इसलिए दूसरे पेज में मैंने बनाया. आप चाहो तो ए पार्ट के नीचे ग्राफ बना सकते हो उसको. ठीक है, तो हमने ये बेटा सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक वर्टिकल लाइन ली, स्केल से हमने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर डॉट्स लगा लिए. ठीक है बेटा, ऑन दिस एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं बेटा, देन दिस वन इज योर वाई एक्सिस. तो बेटा ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो खड़ी लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो लेटी हुई लाइन है आपकी ज़मीन से लगती हुई लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हमने नंबर ऑफ क्लासेस मान लिया, स्केल से बराबर बराबर एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे हमने क्या कर दिया, इस लाइन के ऊपर डॉट्स लगा दिए. फिर वैसे ही यहाँ पे भी हमने एक एक सेंटीमीटर के ऊपर डॉट्स लगा लिए. तो हमने ये वाई एक्सिस में क्या लिया बेटा, वन स्मॉल यूनिट इक्वल्स टू 10 स्केल. ओके बेटा, देन यहाँ पे
ये कौन सा सब्जेक्ट है आपका? क्लासेस है फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास में कितने बच्चे हैं आपके पास? 130 और 140 के बीच में, 135 अबाउट समथिंग, 135। फिर वैसे 120 है तो 120 को हम यहाँ पे फिर शो करेंगे, 120 तक की कॉलम बनाएंगे। फिर ये सेवन्थ क्लास का हम ले जाएंगे ऊपर तक, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है ये। और फिर बाद में बेटा इन ब्लॉक्स को हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। और एक और चीज़ बता दूँ बेटा, आपने ये जो फिगर बनाना है ये आप किससे बनाओगे? पेंसिल से बनाओगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। आपको देखो ये दिख रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट टर्म में इतने मार्क्स आए हैं, सेकेंड टर्म में बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, जैसा कि आपके में भी होता है, आपके स्कूल में भी होता है, सब स्कूलों में होता है, ठीक है बेटा। तो ये इंग्लिश के फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स थे, सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म मतलब हाफ ईयरली में इतने थे, सेकेंड टर्म में मतलब एनुअल में इतने थे। देन 72, 65, 88, 95, ये मार्क्स कितने में से बेटा? आउट ऑफ 100 में से हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या बोला है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। आपने डबल बार ग्राफ बनाना है। ये आपका क्या था बेटा? सिंगल ग्राफ था ये आपका। अब ये आपका डबल बार ग्राफ बनाना है, ये सिंगल बार ग्राफ। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक डबल बार ग्राफ, ओके बेटा, विच रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। तो बेटा ये हमने बनाया, ठीक है। एक हॉरिजेंटल लाइन हो गई आपकी, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हमने 10-10 की यूनिट्स पे एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे बनाए हैं, ये भी एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे बनाए हैं। तो जो फर्स्ट सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बराबर बराबर विड्थ्स के होने चाहिए बेटा आपकी, ठीक है। पेंसिल से जो मार्क करोगे अच्छे से करिएगा, और एकदम सीधी स्ट्रेट ले जाना, या तो सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना, ठीक है बेटा। फिर ये एक ब्लॉक था पूरा, इसी का डबल पार्ट किया हमने। फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स थे बच्चे के? 67। और दूसरे टर्म में कितने थे बेटा? 70, ठीक है। फिर हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72, दूसरे टर्म में 65। फिर मैथ में भी ऐसी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, साइंस में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सोशल साइंस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। नाउ ए पार्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ने बहुत ज़्यादा मार्क्स, परफॉर्मेंस अच्छी की है? तो हम देखते हैं परफॉर्मेंस हमें कैसे पता चलती है। जैसे फर्स्ट टर्म में हमारे 90 मार्क्स आए, सेकेंड टर्म में 98 आए, तो ये परफॉर्मेंस क्या हुई आपकी? अच्छी हुई है। और 90 से 90 कम हो गए हैं तो इसका मतलब परफॉर्मेंस डाउन हुई है आपकी। तो मैथ में हम देख रहे हैं, देखिए पहले कम था उससे ज़्यादा इसमें है, लेकिन इनमें परफॉर्मेंस कितनी की गैप आ रही है? 7 मार्क्स की आ रही है। फर्स्ट टर्म में 95, सेकेंड टर्म में 95, फर्स्ट टर्म में 88, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, 7 मार्क्स का गैप आ रहा है। बी, इन विच द सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट इज लेस्ट। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई है? तो क्या है? सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म में 73 मार्क्स थे, सेकेंड टर्म में 75, दोनों को माइनस किया तो 2 मार्क्स का केवल इम्प्रूवमेंट आई है इसमें, ठीक है। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें परफॉर्मेंस डाउन हुई है? तो क्या है? हिंदी। फर्स्ट टर्म में कितने थे? 72, दूसरे टर्म में कितने थे? 65। बेटा इनमें क्या करना है, आपने जो बड़ा मार्क्स है उससे छोटे मार्क्स को क्या करना है? माइनस करना है सब्जेक्ट। तो हम ये देख रहे हैं आपका टर्म फर्स्ट है या टर्म सेकंड, यहाँ पे टर्म सेकंड या टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म फर्स्ट, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट किया कितना है? 7 मार्क्स का लॉस हो रहा है बच्चे को, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है 7 मार्क्स। बेटा इसमें आप यहाँ पे एक स्मॉल स्केल भी बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म को आपने शेड किया तो यहाँ पे बॉक्स में आप शेड दिखाओगे, ठीक है। सेकेंड टर्म ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना 1 scale = 10 unit, UNIT, ओके बेटा, थैंक यू।